बड़ी खबर, जहां अंबाला से कांग्रेस से बागी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने नई पार्टी बनाई है, फरवरी में पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे। और यहां आपको बता दें कि उत्तरी हरियाणा से सैकड़ों समर्थकों के बीच ये ऐलान किया गया है, वहीं सभी समर्थकों को साथ लेकर चलने की कसम खाई गई है। कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। तो अंबाला से यह खबर, जहां कांग्रेस से बागी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने अपनी अलग पार्टी बनाई है, फरवरी में पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे और इस दिशा में आगे उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं। वहीं उत्तरी हरियाणा से आए सैकड़ों समर्थकों के बीच इस बात का ऐलान किया गया। राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता फुलाइन पर जुड़ चुके हैं अंबाला से। राजकुमार, क्या अभी तक जानकारी है, अलग पार्टी बनाने की दिशा में कदम उठा दिया गया है? निर्मल सिंह तो जो है शुरू से ही उत्तरी हरियाणा का मुद्दा उठाते आए हैं और इसी उत्तरी हरियाणा के मुद्दे के कारण ही इनको कई बार जो है अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं की जो है कई बार मुश्किल झेलनी पड़ी है। लेकिन अब की बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो ये अपनी बेटी चित्रा सरवारा के लिए जो है अंबाला कैंट से टिकट मांग रहे थे कांग्रेस की, लेकिन बावजूद इसके कुमारी शैलजा ने जो है इनको टिकट नहीं दी, जिसकी वजह से नाराज होकर इन्होंने जो है अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा ने और अंबाला शहर से निर्मल सिंह ने जो है इलेक्शन लड़ा था। और ये दोनों बाप बेटी ने कम से कम 1,00,000 मत जो है यहाँ से प्राप्त किए थे और इसी से गदगद होकर निर्मल सिंह ने फिर एक बार उत्तरी हरियाणा का मुद्दा उठाया। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि उत्तरी हरियाणा के लोगों को जो है इग्नोर किया जा रहा है राजनीतिक रूप से भी और नौकरियों के हिस्से में भी, किसानों को भी, मजदूरों को भी इनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। दक्षिणी हरियाणा की तरफ से ही सब जो है सीएम बनते हैं और उधर के लोगों को ही नौकरियां आवंटित करते हैं। और इन उनका ये भी कहना है कि अब इन्होंने उत्तरी हरियाणा के लोगों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें उस सभी ने ये ऐलान किया था कि इन्हें अपना झंडा उठा लेना चाहिए और निर्मल सिंह का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब वो नई पार्टी का जो ऐलान कर रहे हैं और इस ऐलान के बाद जो है उनके समर्थक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि फरवरी माह में अंबाला शहर में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा की जाएगी उत्तरी हरियाणा की, जिसके मंच से जो पार्टी के नए नाम की और उनके नए झंडे की घोषणा भी कर दी जाए। लेकिन राजकुमार, उत्तरी हरियाणा की हमेशा से जो चित्रा सरवारा और उनके पिता निर्मल सिंह जो है लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन पार्टी का ऐलान तो क्या फोकस हरियाणा पर रहेगा या सिर्फ उत्तरी हरियाणा पर नजर रहेगी? उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि मुख्य रूप से जो है दक्षिणी हरियाणा की तरफ से ही सीएम आते हैं और उनकी जो है अपेक्षा की जा रही है उत्तरी हरियाणा की, इसलिए वो अभी फिलहाल तो जो है उत्तरी हरियाणा के लोगों को साथ लेकर जो है ये पार्टी बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टी जो है पूरे हरियाणा में फैलेगी और पूरे हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा के लिए काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा जो कि इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं। और आपको बता दें कि फरवरी में पार्टी का घोषणा की जाएगी। दरअसल पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा की तरफ से नई पार्टी का ऐलान करने की बात की जा रही है। उत्तरी हरियाणा से जो समर्थक आए उनके बीच इस बात को लेकर ऐलान किया गया।